शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। सीएससी और पीएससी पर टीका लगवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। बुधवार को कैंपियरगंज के एमसीएच विंग में 45 साल से ऊपर तथा 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों में टीका लगवाने के लिए काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान लोग क्रमवार लाइन लगाकर अपने नंबर का इंतजार करते रहे और नंबर आने पर लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। इसके संबंध में एमसीएच विंग कैंपियरगंज के अधीक्षक डॉक्टर भगवान प्रसाद ने बताया कि कैंपियरगंज क्षेत्र के तहत 4 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर कोविड का टीकाकरण कराया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैंपियरगंज एमसीएच विंग के अधीक्षक डॉक्टर भगवान प्रसाद ने कहा, जो वो कटवा भी आपको दिए हैं वो जरा हम फिर से ले लीजिएगा। तो अरे चर्बी मोटान बतवा दो। ये आपका क्या सेवन है किसी क्या वो डिजिट का नंबर सिक्योरिटी कोड मिला होगा। 93 36 93 36 44 36 मेरा नाम डॉक्टर भगवान प्रसाद, मैं यहाँ सुपरिटेंडेंट हूँ। 3 जगह पर जो है टीकाकरण हो रहा है, कोविड का टीकाकरण हो रहा है। एक्चुअली 3 नहीं 4 कह लीजिए, 4 केंद्र है। कंपेयरगंज में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कंपेयरगंज पर, एक ये मेडिकल विंग जो है, फीमेल विंग जो है, 30 बेड मैटरनिटी विंग, वहाँ पर एक टीका लग रहा है। पीपीगंज एडिशनल पीएससी पर टीका लग रहा है, वहाँ कोवैक्सीन लग रहा है। और इसके अलावा जो है APHC मछली गांव में टीका रहा है। टोटल 4 जगह हम 4 केंद्र पर हमारे यहाँ टीकाकरण हो रहा है कोविड का।